नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जय गुरु दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ, मैं भी ठीक ही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। भारत में कागज वाले नोट का इशू ब्रिटिश जमाने में हो चुका था। पहले एक टाइम था जब इंग्लैंड से प्रिंट होके भारत में नोट आता था जहाज से। फिर ऐसा भी टाइम आया जब गल्फ कंट्री जैसे कुवैत, कातर जैसे देश में भारत का करेंसी यूज होने लगा। टाइम के साथ साथ सिक्के और नोट में भी बहुत बदलाव लाया गया, जिसके कारण भारत के नोट में वेरिएशन के साथ साथ बहुत खूबसूरत नोट देखने को मिलती है। सोशल मीडिया में इस तरह के नोट के वैल्यू लाखों रुपए बोला जाता है, लेकिन सच क्या है आज जानेंगे इस वीडियो में। आज जानेंगे 10 रुपए वाले इस पीकॉक नोट कौन से साल में इशू हुआ था, किन किन गवर्नर के साइन देखने को मिलती है, इन सब नोट में रेयर वेराइटी कौन सा है, आज की डेट में सबसे कीमती नोट कौन सा है। तो फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का नया वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। भारत में 10 रुपए का पीकॉक नोट सबसे पहले इशू हुआ था साल 1975 में, जब गवर्नर थे एस जगन्नाथन जी। इस खूबसूरत नोट के ऊपर इंग्लिश और हिंदी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है, नीचे लिखा है प्रॉमिसिंग वर्ड हिंदी और इंग्लिश में, और बीच में नोट के डिनोमिनेशन 10 लिखा है, जिसके नीचे गवर्नर सिग्नेचर देखने को मिलती है हिंदी और इंग्लिश में। नोट के बाई तरफ वाटरमार्क देखने को मिलती है, जिसमें अशोक पिलर बना हुआ है। नोट के फ्रंट साइड में 13 भाषा में नोट के डिनोमिनेशन लिखा गया है, जो है हिंदी, आसामी, बंगाली, गुजराती, कनाडा, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। दाई तरफ ऊपर और बाई तरफ नीचे नोट के सीरियल नंबर देखने को मिलती है। बाई तरफ नीचे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की लोगो बना हुआ है। नोट के रिवर्स साइड में दो मोर एक पुराने आम के पेड़ के ऊपर बैठा हुआ दिखाई देता है, जिसके दो तरफ 3 हिरन, 2 घोड़ा और 2 फूल के चित्र बना हुआ है। दाई तरफ वाटरमार्क बना हुआ है, जिसके ऊपर 10 रुपए लिखा है। ऊपर बाई तरफ और नीचे दाई तरफ नोट के डिनोमिनेशन 10 लिखा है। इस डिजाइन वाले नोट को 1975 से 1990 तक इशू किया गया था। 10 रुपए वाले इस नोट में 6 गवर्नर के सिग्नेचर देखने को मिलती है। इन 6 गवर्नर थे एस जगन्नाथन, के आर पुरी, एम नरसिम्हम, आई जी पटेल, मनमोहन सिंह और आखिरी में आर एन मल्होत्रा। इन सब में आर एन मल्होत्रा के सिग्नेचर वाले नोट बहुत ही कॉमन है। दोस्तों, आपके पास कौन से सिग्नेचर वाले नोट है ये मुझे कमेंट में जरूर बताना। आई जी पटेल के नोट एक आया था बिना इंसर्ट के, एक आया था ए इंसर्ट में, और आर एन मल्होत्रा के नोट आया था बी और सी इंसर्ट में। इस नोट का रेक्टेंगुलर शेप है और साइज है 137x63 mm। अब बात करते हैं इस नोट से जुड़ी कुछ कंट्रोवर्सी के बारे में। इन सब कंट्रोवर्सी में जो सबसे कॉमन है वो है आर एन मल्होत्रा के सिग्नेचर वाले नोट सबसे महंगा होता है। दूसरा है, नोट के पीछे अगर एक मोर होगा तो 1 लाख रुपए, 2 मोर होगा तो 2 लाख रुपए और 3 मोर होगा तो 3 लाख रुपए, ऐसा कीमत बोला जाता है। कुछ लोग तो ऐसा दावा करते हैं जिस नोट में 2 गवर्नर के सिग्नेचर एक साथ दिखाई देगा उस नोट का वैल्यू सबसे ज्यादा है। दोस्तों, इन सब बातों में ना आए, क्योंकि आर एन मल्होत्रा के सिग्नेचर वाले नोट सबसे कॉमन होता है। और 10 रुपए वाले जो नोट इशू हुआ था उनके पीछे केवल 2 मोहरी देखने को मिलती है। और आज तक भारत में जितना भी नोट इशू हुआ है उनमें एक नोट में एक ही गवर्नर के सिग्नेचर देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इस नोट का आज के डेट में क्या वैल्यू चल रहा है उसके ऊपर। इस जगन्नाथन के सिग्नेचर वाले नोट आज के डेट में स्केयर कैटेगरी में आता है, जिसका वैल्यू है आज के डेट में 60 से 150 रुपए। के आर पुरी के नोट आज के डेट में रेयर वेराइटी में आता है, जिसका वैल्यू है 80 रुपए से 300 रुपए तक। एम नरसिंहम के नोट भी रेयर कैटेगरी में आता है, जिसका वैल्यू है आज के डेट में 250 से 350 रुपए। आई जी पटेल के नोट एक आया था ए इंसर्ट के साथ, जिसका वैल्यू है आज के डेट में 80 से 100 रुपए, और प्लेन में आया था, जिसका वैल्यू है आज के डेट में 60 से 200 रुपए। इसके बाद मनमोहन सिंह जी के सिग्नेचर वाले नोट भी स्केयर कैटेगरी में आता है, जिसका वैल्यू है 50 से 80 रुपए। और आर एन मल्होत्रा के नोट बहुत ही कॉमन है, जिसका वैल्यू है आज के डेट में यूएनसी कंडीशन में 40 से 50 रुपए। ये था अच्छी कंडीशन में नॉर्मल नोट का वैल्यू। और भी बहुत फैक्टर होता है जिसके कारण नोट का वैल्यू बहुत गुना बढ़ जाता है। प्रिंटिंग के टाइम जितना ज्यादा मिसप्रिंट होगा उसका वैल्यू उतना ज्यादा होगा। अगर नोट के सीरियल नंबर में फैंसी नंबर होता है, जैसे 7786 या नहीं तो पहले का 4 डिजिट 0 या नहीं तो 1 2 3 4 5 6, इस तरह के नोट बहुत ही रेयर होता है और अच्छी कंडीशन में इस तरह के नोट बहुत ही वैल्यूएबल हो जाता है। तो इतनी सी थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं जल्दी एक और एक्साइटिंग नोट या कॉइन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।